ये तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर कई लोगों को लगा कि शायद ममता बनर्जी अमित शाह के सामने नरम पड़ गई हैं। देखिए क्या हंसी खुशी बात कर रही हैं, मिल रही हैं, बैठ रही हैं। मगर एक और खबर ऐसी आ गई कि कयास लगाने वालों ने माथा ही पकड़ लिया। खबर आई है कि ममता अमित शाह पर भड़क गई हैं। मगर अभी जो ये खाना पीना चल रहा था, मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, उसके बाद दीदी का ये यू टर्न कैसे? ममता बनर्जी अमित शाह और बीएसएफ अधिकारियों पर क्यों भड़की? क्या है वो तीन वजहें? आज इस एपिसोड में, इस वीडियो में आप समझेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो ममता गुस्से में हैं और कह रही हैं कि बीएसएफ के जवान बंगाल में आम लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन्हें। हम आपको वो तीन वजहें बता देते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीएसएफ राज्य प्रशासन में दखल दे रही है, जो कि कानूनन गलत है। सूत्रों के मुताबिक इस बहस के बाद अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच करीब 2.5 घंटे तक एक सीक्रेट मीटिंग भी चली, जिसमें उन्होंने सेंट्रल एजेंसी की सक्रियता को लेकर सवाल उठाया है। तो वो तीन वजहें कुछ ऐसी हैं। पहला, बंगाल के 10 जिलों में बीएसएफ की तैनाती। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से सटा हुआ है। यहाँ के 10 जिलों में चौकसी के लिए बीएसएफ की तैनाती की गई है। ये जिले हैं दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, नदिया और उत्तर 24 परगना। नए कानून लागू होने से जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और कूचबिहार की ज्यादातर भाग बीएसएफ के कंट्रोल में चला गया है। साथ ही मुर्शिदाबाद जिला मुख्यालय और उत्तर 24 परगना के 2 बड़े शहर भी बीएसएफ के अधीन आ गए हैं। आपको बताती चलूं कि बीएसएफ केंद्र के अंदर है। दूसरा, लोकसभा की 21 सीटें जिसकी जमीन बीएसएफ के कंट्रोल में है। बंगाल के जिन 10 जिलों में बीएसएफ की तैनाती है उनमें लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। 2019 में इनमें से 12 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2 पर कांग्रेस ने भी कब्जा किया था। 2014 के चुनाव में इनमें से सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिली थी। ममता बनर्जी को क्या डर है? डर यह है कि अगर बीएसएफ पर कंट्रोल नहीं किया गया तो इन इलाकों की जनता तृणमूल से नाराज हो सकती है और आगामी चुनाव में इसका नुकसान और खामियाजा बनर्जी को भुगतना पड़ सकता है। तीसरी वजह, उत्तर बंगाल में ज्यादा असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ अलग राज्य की मांग उठ रही है, ऐसा बनर्जी का कहना है। तो यहाँ के दार्जिलिंग, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर का ज्यादातर भाग बीएसएफ के कंट्रोल में आ चुका है। पिछले 8 सालों में राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में कमजोर पड़ी हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में दिनाजपुर को छोड़ दिया अगर जाए तो उत्तर बंगाल के अधिकांश जिलों में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार हुई है। बंगाल में चुनाव के बाद उत्तर बंगाल को अलग राज्य करने की मांग भी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। मगर सवाल यह भी है कि बीएसएफ के नियमों में आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ है, तो वो मैं आपको 3 पॉइंट्स में फिर से समझाई देती हूँ। पहला, घुसपैठ को रोकने के लिए पहले बॉर्डर इलाके में 15 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ सर्च अभियान चला सकती थी, इसे अब बदल करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। दूसरा, पहले बॉर्डर इलाके में किसी की भी गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती थी, पर नियमों में बदलाव के बाद अब गिरफ्तारी के लिए परमिशन की जरूरत कतई नहीं है। तीसरा, किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले बीएसएफ राज्य पुलिस से कोऑर्डिनेट करती थी, अब ऐसा नहीं होता। तो इन कानूनों में क्यों बदलाव हुए हैं और केंद्र की क्या दलीलें हैं, आपको मैं वो भी बता देती हूँ। पहली दलील ये है कि घुसपैठ और तस्करी रोकना है। बीएसएफ कानून में बदलाव की सबसे बड़ी वजह है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ रोकना। केंद्र का तर्क है कि घुसपैठिया एक रात में ही 15 किलोमीटर का सफर पूरा कर भारत में घुस जाता है, जिससे कई बार उसे पकड़ने में समस्याएं आती हैं। नियम बदल करके इसे आसान किया गया है, ये केंद्र का कहना है। दूसरी समस्या, ड्रोन समस्या। दरअसल भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगे पंजाब में पिछले 3 सालों में करीब 100 ड्रोन बरामद किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 12, 2020 में 32 और 2021 में अब तक 46 ड्रोन मिल चुके हैं। ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ के कानून में बदलाव किया गया है, ये सब केंद्र की दलीलें हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी गुस्से में हैं और अमित शाह पर भड़क गई हैं।
अधिकारियों को भी लपेटे में ले लिया है। मगर इसका असर क्या है और कैसे पड़ेगा ये देखना बाकी है। ममता बनर्जी और अमित शाह की एक तस्वीर खासा वायरल हो रही है, जहां वो एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते हुए पेश आ रहे हैं, और ये कोई आम बात तो है नहीं। शायद इसी के चलते दीदी ने सोचा कि कहीं लोग ये ना समझ बैठे कि वो नरम पड़ रही हैं, तो अभी ये खबर आ गई। खैर, फिलहाल तो ममता थोड़ा गर्म है। देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी केंद्र के लिए नरम भी होती हैं, या फिर 2024 तक उनका यही रूप हमें देखने को मिलेगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।